नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ ओपन बुक स्कूल परीक्षा में क्लास 12 मैथ के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए आपके लिए। मैथ के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले, सभी क्वेश्चनों के आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, हर क्वेश्चन का आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चनों के पूरे आंसर मिलने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और आपको फुल सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं हम आपको, और बताएंगे कैसे हल करना है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो हम आपको बता रहे हैं पहले सही विकल्प में क्या भरना है, 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद दूसरे विकल्प में भरना है साइन एक्स। पहले में क्या भरना है, 1, 3, 5, 7, 9। दूसरे में भरना है साइन एक्स, और तीसरे में भरना है माइनस का 3/7। चौथे में भरना है 5, और छठवें में भरना है 6√2, और सातवें में भरना है 3/4, सातवें में भरना है 11। इसके बाद आठवां है, आठवें में भरना है 10x-x + c। क्या भरना है, 10x-x + c। इसके बाद नौ में भरना है संरेखीय सदिश। दसवें में भरना है x, y और 0। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान में भरना है, देख लीजिए रिक्त स्थान में 7.5, 7.4, 7.2, 8.5, 8.4, 8.2। इसके बाद दूसरा है, दूसरा है दसवां पद। तीसरा दिया गया है मापांक 2। चौथे में भरना है माइनस का 3/2। पाँचवें में भरना है 5.5। छठवें में भरना है माइनस का 5/4, और सातवें में भरना है अच्छादक। तो आपके पूरे फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। नौवें में भरना है 10π cm, और दसवें में भरना है 4.-2.1। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। सिद्ध कीजिए कि सदिश इतने तथा इतने परस्पर लंब है। यदि दो सदस्य परस्पर लंब होते हैं तो उनका गुणनफल 0 आता है। तो ये गुणा कराएंगे दोनों सदस्यों का, तो कराएंगे इसका इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। 3 का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। k का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो 3 × 5 = 5 + -5 = 0। तो क्या आएगा, जब आई का आई से गुणा कराते हैं तो 1 आता है, जब जे का जे से गुणा कराते हैं तो 1 आता है, के का के से गुणा कराते हैं तो 1 आता है। दिए हुए सदस्यों का अदिश गुणनफल 0 है, अतः दिए हुए सदस्य परस्पर लंब है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा है, यदि आव्यूह ए बराबर 3, 0, -2, 5, 7, 8 हो तो दिखाइए a डैश का डैश a होगा। ए दिखाना है, जब इसको ए डैश करेंगे तो पंक्ति को रो और रो को पंक्ति कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 2, 7, 0, 5, 8। और इसके बाद फिर रो को पंक्ति करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो a डबल डैश a डैश का डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स का मान। तो हमें ज्ञात है कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स π/2 - x। तो आई बराबर मान लेंगे और इसकी जगह कॉस एक्स का मान रख देंगे, कॉस एक्स का मान रख देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, π/2 - x dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 x + x² या माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, π/2 x - x² + c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/2 x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए आप, पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद दूसरा है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है अवकलन समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण है डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है 4। तो जब इसको हल करेंगे हम तो जब इस तरफ बटे में घात है उस तरफ ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 की घात हो जाएगी। इसके बाद दोनों को इस समीकरण को उच्च अवकल डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोटि कितनी है 2 और घात कितनी है 4। सबसे बड़ी घात कौन सी है 4। सिद्ध करना है टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5 बराबर टेन इनवर्स 1/18। तो टेन ए माइनस टेन बी का सूत्र लगा देंगे, टेन ए माइनस टेन बी का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी 1+a(b). टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1+xy। तो हल करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/18। तो ये हमारा क्या सॉल्व हो गया, जो पूछ रहा था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवा है, यदि y बराबर ई एक्स की पावर 3 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर ई एक्स की पावर 3 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है अवकलन, ई एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का करेंगे अवकलन एक्स क्यू का करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x² एक्स की पावर क्यू, क्या जाएगा 3x² ई एक्स की पावर 3। तो राइट आंसर आ गया आपका। इसके बाद दिया गया सातवां, 3x माइनस 2 7/4 बराबर 8671। तो दोनों के मान दिए हैं, एक्स का मान निकालना, तो दोनों को हल कर लेंगे, 4 3 12 7 2 14 कैंची गुड़ा होता है इनका, 4 3 12x बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 14, 8 4 32 7 6 42। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 10, यहाँ क्या है 12x यहाँ जाएगा 24 हो जाएगा, तो एक्स और क्या जाएगा माइनस का 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां देख लीजिए, यदि पी ए 1/2 पी बी 1/3 तथा पी इतना है तो ज्ञात कीजिए पी अपॉन बी का मान। तो देख लीजिए इसका फुल सॉल्यूशन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, यदि एक रेखा के द्विक अनुपात 2, -1, -2 है तो इसकी द्विक की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। दिया है द्विक अनुपात ए बी सी 2, -1, -2। तो माना द्विक की ऊर्जाएं एल एम एन है, तो जहां एल बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए का मान रख देंगे, ए का मान कितना है 2, और एल एम एन के मान रख देंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार m का मान निकाल लेंगे, m का मान क्या होता है b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो b का मान रख देंगे माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार n का मान क्या होता है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तीनों के मान निकला है, m n बराबर क्या होता है 2/3 माइनस का 1/3 माइनस का 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो साइन लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स का मान, तो मान लेंगे लॉग एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग एक्स बराबर टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1/x dx बराबर dt।
तो मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? माइनस का कॉस एक्स टी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, एक्स बराबर 3 पर फलन एफ एक्स 2x² माइनस 1 के सतत जांच कीजिए। तो क्या रखेंगे हम, सतत की जांच करनी है, तो 2x² माइनस 1 है तो x बराबर 3 प्लस h रखेंगे, एक बार हल करेंगे तो x का क्या रखेंगे, 3 प्लस h, तो मान आएगा कितना, 17। कितना मान आया, 17। अब एक बार क्या रखेंगे, 3h माइनस 3 माइनस h, 3 माइनस h को हल करेंगे तो कितना आएगा मान, 17। 3 माइनस h रखेंगे तब भी मान कितना आएगा, 17। और f3 का मान कितना आएगा, 17। f3 रखेंगे तब भी मान कितना आएगा, 17। तो स्पष्ट है कि x टेंस टू x लिमिट 3, fx लिमिट x टेंस टू 5, f3। तो यदि दिया हुआ फलन x बराबर 3 पर सतत है, तो क्या है ये फलन x बराबर 3 पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, अवकलन समीकरण को हल कीजिए। अवकलन समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस y² अपॉन 1 प्लस x² दिया गया समीकरण है। dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस y² 1 प्लस x² के चारों को पृथक करने पर dy अपॉन 1 प्लस y² dx अपॉन 1 प्लस x² दोनों पक्षों के समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो सीगा मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा समीकरण, y माइनस एक्स सी इंटू 1 प्लस xy। इसके बाद माना 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है x प्लस वाई एक्स प्लस 2y, तो तीनों को जोड़ देंगे, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 चेंज टू क्या कर देंगे, c1 प्लस c2 प्लस c3, तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x 3x प्लस 3y आ जाएगा। और c2 को चेंज करेंगे, c2 को c3 में घटा देंगे, c2 में c3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y और प्लस की y, क्या जाएगा, माइनस की वाई और प्लस की वाई, और ये सब चीज़ कॉमन है जो बाहर निकल आएगी। इसके बाद c1 को चेंज करेंगे, c1 प्लस c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पद 0 हो जाएंगे, तीसरा 3 हो जाएगा। इसके बाद इनको खोल देंगे c के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो x हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6y² x + y। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6y² x + y। क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि x बराबर a cos t प्लस sec t है और y बराबर a sec t माइनस t cos t है, तो d² y / dx² ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, x बराबर a cos t प्लस t sec t, तो इसको हल करेंगे, dx/dt a dt d अपॉन डी टी cos t प्लस a t sec t, तो ये हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर a अपॉन t इंटू sec qt, क्या जाएगा, a अपॉन t sec qt। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय 2 में r बराबर a माइनस बी संख्या इतने को परिभाषित करती है तो r फलन समतुल्य होगा। तो इसको देख लीजिए, फलन को माना a कोमा b, आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है मैथ का, तो आप कहीं मत जाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अतः ए स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, अतः वह एक तुल्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 1 + x²dx - cot x dx x + y दिया गया अवकल समीकरण है। तो इसको हल करेंगे, देख लीजिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। 1 + x²dy + 2xy dx - cot x dx तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 + x²। तो क्या आ जाएगा, 1 + x²। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 + x²। यह इसका एक अभीष्ट हल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। y = y 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दिया गया है, सदिशों ए वेक्टर 2i + 2j + k और बी 4i - 4j - 7k दिया गया है। ये सदिश ए और बी में प्रत्येक पर लंब सदिश है, तो लंब सदिश है तो ए क्रॉस बी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनको दोनों को हल कर लेंगे, इनके मान रख के i, j, k और दोनों के मान रख लेंगे। तो a इंटू ये क्या हो गया, इनको गुणा करा देंगे तो a इंटू बी क्या आ जाएगा, 18 दोनों से कॉमन है तो 18 एक एक का कर देंगे, 18√2। अभीष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, पहले इसका मान आ जाएगा, अभीष्ट मात्रक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a क्रॉस b और मॉड a इंटू बी। तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आई प्लस जे अपॉन √2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि प्रत्येक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसको देख लीजिए किस दर से बढ़ रहा है, इसका फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको मिलने वाला है dA/dt। इसका नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का मान ज्ञात कीजिए, ex tan−1 x + 1/x²dx। तो i बराबर दिया ex tan−1 + 1/1 + x²dx। इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो देख लीजिए,
ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आई बराबर ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप इसके बाद के सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।